आज छत्तीसगढ़ की जनता ये महसूस कर रही है कि डबल इंजन की सरकार से ही छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी होगी। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने के लिए तैयार है। पार्टी की एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जीतने योग्य प्रत्याशी का चयन होता है। देश में लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पार्टी लग गई है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में की 11 सीटों को लेकर कवायद शुरू हो गई है, नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं और क्लस्टर बनाकर भी काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। अरुण साव जी न सिर्फ उप मुख्यमंत्री है बल्कि संगठन के एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का उन्होंने पूर्व में निर्वहन कर दिया है और एक बड़ी मेजोरिटी उनके कार्यकाल में बीजेपी को मिली है। जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? बीजेपी जो है 400 पार का नारा दी है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप प्रदेश में? देश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहकर काम करती है। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और विधानसभा चुनाव के मतदान समाप्त होते ही पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। लगातार हमारी बैठकें हो रही है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी प्रारंभ हो गए हैं। अभी गृह मंत्री जी क्लस्टर की बैठक लिए और विजय संकल्प शंखनाद रैली जांजगीर में हुई, तो हमारे केंद्रीय नेताओं के भी लगातार प्रवास प्रारंभ हो गए हैं। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार डबल गति से छत्तीसगढ़ की विकास कर रही है, ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की जनता ये महसूस कर रही है कि डबल इंजन की सरकार से ही छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी होगी। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी भी उसी हिसाब से तैयारी कर रही है। आप बीजेपी संगठन के महत्वपूर्ण जो है दायित्व में रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आम जनता के बीच एक चर्चा रहती है कि बीजेपी में जब टिकट वितरण होता है तो किन लोगों को दिया जाता है, क्या पैमाना क्या होता है, मापदंड क्या होता है। एक बात यह भी कही जाती है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी कुंडली रखी रहती है, पूरी कुंडली खंगालती है। तो सीधे शब्दों में, सरल भाषा में अगर हम जानना चाहें एक आम जनता के नाते, तो इसमें जो पैमाना क्या रहता है टिकट वितरण में? आप संगठन की, आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में रहे हैं, तो जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें टिकट पे किन बातों का खासतौर पर ख्याल रखा जाए? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी परिवार है और परिवार के नाते परिवार के एक एक सदस्य की विस्तृत जानकारी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे प्रदेश के नेतृत्व को होती है। जहां तक टिकट वितरण की बात है तो जीतने योग्य प्रत्याशी ही चुनाव में प्राथमिकता होती है और पार्टी की एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जीतने योग्य प्रत्याशी का चयन होता है। कब तक जो है वितरण हो जाएगा टिकट का, कुछ ऐसे कुछ अभी डेट थी? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बहुत पहले प्रत्याशियों की घोषणा की थी, आने वाले कुछ समय में पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा प्रारंभ कर देगी। लेकिन चुनाव की तैयारियां जोर शोर से पार्टी की चल रही है, पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और बीजेपी न सिर्फ एक सिर्फ संगठन है बल्कि एक परिवार है और परिवार के सदस्य के जो है पूरे ब्यौरा खंगालने के बाद ही उसे टिकट वितरण किया जाता है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी।